तो हेलो गाइस, मेरा नाम है प्रज्वल और आपका स्वागत करता हूँ प्रज्वल रोबोटिक्स यूट्यूब चैनल में। तो गाइस, आज की वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपके लिए काफी कमाल कमाल की आइडियाज लेकर आया हूँ, जो कि आपके काफी ज्यादा काम भी आएंगे और आपके पैसे भी बचाएंगे। तो गाइस, वीडियो काफी ज्यादा मजेदार होने वाली है, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना। और गाइस, वीडियो जरा सी पीछे लगे तो लाइक कर देना, क्योंकि गाइस वीडियो बनाने में बहुत ही ज्यादा मेहनत लगती है। तो अगर गाइस आप लाइक ही नहीं करोगे तो मुझे मोटिवेशन कहां से मिलेगा आपके लिए और नए नए आइडियाज लेके आने में और नए नए प्रोजेक्ट बनाने में। तो गाइस यार, प्लीज लाइक जरूर से कर देना, और अगर गाइस आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर देना, क्योंकि जब भी मैं जो नई वीडियो डालूंगा तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाएगी और आप उस वीडियो को वॉच कर पाओगे। तो चलो गाइस, आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहले आईडी के लिए गाइस यहाँ पे मैं बल्ब होल्डर का जो आगे का जो पार्ट रहता है तो वो यूज करने वाला हूँ। तो ये गाइस मैं पुराने खराब होल्डर का पार्ट यूज कर रहा हूँ, आप नया वाला मत खराब करना ताकि आपका गाइस कोई भी नुकसान ना हो। तो गाइस पुराने वाला ही यूज करना, अगर आपके पास नहीं है तो ही गाइस आप जो है नए वाला यूज करना आगे का पार्ट। तो अभी गाइस हम क्या करेंगे कि ये दोनों साइड खाली रहता है, एक साइड ये थोड़ा सा छोटा रहता है और एक साइड ये गाइस थोड़ा सा बड़ा रहता है। तो अभी हम क्या करेंगे कि जहां पे छोटा वाला साइड है तो उस तरफ गाइस हम पीवीसी का एक पीस है वो लगा देंगे। तो गाइस यहाँ पे ये पीवीसी शीट है तो इसको बनाना काफी ज्यादा आसान रहता है। गाइस जो भी आपके पास कोई भी पीवीसी की पाइप है तो उसको बीच में से कट कर लेना है, और कट करने के बाद हीट गन के द्वारा या फिर गैस चूल्हे पे आपको गर्म करके उसको सीधा कर लेना, तो आपकी जो शीट है वो तैयार हो जाएगी। तो इसी तरीके से गाइस मैंने भी तैयार कर ली है। तो अभी कैसे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारा जो बल्ब होल्डर का छोटा वाला जो पार्ट है इसको हम इस शीट के ऊपर कुछ इस तरीके से रखेंगे और यहाँ पे गाइस मार्क कर लेंगे। तो मार्क करने के बाद हम गाइस क्या करेंगे कि इसको ब्लेड के द्वारा कट कर लेंगे। तो ये गाइस जो चीज है ये भी गाइस मैंने अपने चैनल पे बनाई हुई, तो आप जाके देख सकते हो। इसको भी रिसेंटली अभी कुछ दिन पहले ही बनाई है तो आप जाके देख सकते हो। तो अभी कैसे इसके द्वारा हम इस चीज को जो है कट कर लेंगे। तो चलो गाइस फटाफट से इसको कट कर लेते हैं। तो यहाँ पे गाइस मैंने कटर के द्वारा और ब्लेड के द्वारा इसको कट कर लिया है। तो अभी गाइस हम इसको यहाँ पे चिपका देंगे कुछ इस तरीके से सुपर ग्लू से। तो यहाँ पे गाइस मैं चिपकाने के लिए बड़ी वाली जो सुपर ग्लू होती है वो यूज कर रहा हूँ। आप चाहे तो 5 रुपए वाली जो सुपर ग्लू आती है तो उसका भी यूज कर सकते हो। ये तो गाइस मैं बड़ी वाली इसलिए रखता हूँ क्योंकि गाइस मुझे आपके लिए नए नए आइडियाज मतलब बनाने रहते हैं, तो इसलिए गाइस मैं जो है बड़ी वाली का यूज करता हूँ ताकि ये खत्म ना हो, बार बार मुझे मार्केट में जाना ना पड़े। तो इसलिए गाइस यहाँ पे मैं बड़ी वाली का यूज कर रहा हूँ, आप चाहे तो 5 रुपए का वाली का भी यूज कर सकते हो, सेम वर्क करेगी गाइस, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो यहाँ पे गाइस ये हमारा काम हो चुका है। तो अभी गाइस यहाँ पे हम एक यूएसबी केबल लगाएंगे। तो यहाँ पे आप देखते हो मैंने खराब जो चार्जर रहता है उसकी यूएसबी वाला जो साइड होती है उसको कट कर लिया। तो अभी गाइस हम क्या करेंगे कि इस यूएसबी केबल को यहाँ पे लगाएंगे कुछ इस तरीके से अंदर की साइड में। तो इसके अंदर यहाँ पे लगाएंगे, तो लगाने के लिए यहाँ पे हमें पहले मार्किंग करनी पड़ेगी। तो चलो गाइस यहाँ पे मार्किंग करके इसको यहाँ पे कट कर लेते हैं। तो यहाँ पे गाइस मैंने कटिंग कर ली है, और यहाँ पे गाइस मैंने यूएसबी जो केबल थी उसकी थोड़ी सी वायर भी लंबी कर दी जिससे गाइस हमारे जो सोल्डरिंग करने में आसानी हो। तो अभी गाइस हम क्या करेंगे कि इस यूएसबी केबल को यहाँ पे इसके अंदर डाल देंगे कुछ इस तरीके से, और यहाँ पे इसके अंदर अच्छे तरीके से धकेल देंगे और यहाँ पे टाइटली फिट कर देंगे। तो यहाँ पे गाइस ये हमारा फिट हो चुका है। तो अभी हम क्या करेंगे, इस दोनों वायर के ऊपर हम जो है एक एलईडी लगाएंगे। तो ये वाली एलईडी इसके साथ लगाने वाले हैं। तो ये गाइस 1 वाट की एलईडी है, तो आपको इलेक्ट्रॉनिक की शॉप पे 5 या 10 रुपए के अंदर मिल जाएगी। तो अभी हम क्या करेंगे कि इसके पॉजिटिव और नेगेटिव पर हम यहाँ पे इस यूएसबी केबल की यहाँ पे वायर्स लगा देंगे और सोल्डर कर देंगे। तो चलो गाइस यहाँ पे सोल्डर कर लेते हैं। तो यहाँ पे गाइस मैंने एलईडी को जो है इस वायर के साथ सोल्डर कर लिया है। तो अभी गाइस यहाँ पे हम इसके ऊपर लगाएंगे कुछ इस तरीके की पाइप। तो ये गाइस इलेक्ट्रॉनिक की शॉप पे मैंने बड़ा पीस लिया था 5 रुपए का, तो उसमें से गाइस मुझे पीस है ये बच गया, इससे मैंने काफी सारे प्रोजेक्ट भी बना दिए हैं, तो आप जाके देख सकते हो। तो ये इसमें से एक पीस बचा है, तो इस पीस को गाइस हम यहाँ पे कुछ इस तरीके से डाल देंगे। बट डालने से पहले गाइस हम इसको यहाँ पे इस साइड से बंद करेंगे। तो बंद करने के लिए भी गाइस कुछ इसी तरीके की पाइप का यूज करेंगे जो कि पतली वाली है, और ये आपको इलेक्ट्रॉनिक की शॉप पे ही मिलेगी और किसी शॉप पे आपको नहीं मिलेगी। तो अभी हम क्या करेंगे कि इस पाइप को बिल्कुल सीधा कर देंगे, शीट बना देंगे। तो शीट बनाने के लिए गाइस यहां पे मैं यूज करने वाला हूं हीट गन का। आप चाहे तो गाइस जो है गैस चूल्हे पे भी जो है गर्म करके इसकी शीट तैयार कर सकते हो। तो यहाँ पे गाइस मैंने पीस कट कर लिए। तो अभी गाइस हम इसको यहाँ पे कुछ इस तरीके से लगा देंगे और सुपर ग्लू से चिपका देंगे। तो यहाँ पे गाइस मैंने लगा के ऊपर से जो सैंड पेपर से फिनिशिंग भी दे दी है। अभी गाइस ये देखने में काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। तो अभी गाइस हम क्या करेंगे कि इसको यहाँ पे चिपका देंगे सुपर ग्लू से, और अंदर की साइड हम यहाँ पे सुपर ग्लू डाल देंगे।
तो यहाँ पे गाइस हमारा पहला प्रोजेक्ट बन चुका है। तो चलो गाइस अभी हम इसकी टेस्टिंग करते हैं कि कैसा ये वर्क करता तो है। यहाँ पे क्या इसे चार्जर, और इस चार्जर के अंदर मैं यहाँ पे लगाता हूँ इसकी यूएसबी। तो यहाँ पे क्या इसे चला था क्योंकि इसके अंदर थोड़ी सी पावर थी। तो अभी कैसे यहाँ पे मैं इसका स्विच जैसे ही करता हूँ ऑन, तो यहाँ पे कैसे आप इसकी लाइटिंग देख सकते हो कितनी अच्छी आ रही है। तो अभी के तो गाइस रूम की जो लाइट है ऑन है, तो अभी कैसे मैं रूम की जो लाइट है उसको ऑफ करता हूँ। अभी कैसे मैं आपको दोबारा जला के दिखाता हूँ। तो यहाँ पे कैसे आप देख सकते हो कितना ज्यादा अंधेरा है। तो अभी कैसे जैसे मैं इसका स्विच दबाता हूँ तो देख सकते हो गाइस कितनी ज्यादा ये रोशनी कर रहा है, आप देख सकते हो। तो अभी गाइस हमने इस लाइट की टेस्टिंग करी और गाइस ये लाइट है ये काफी अच्छी तरीके से रोशनी दे रहा था और काफी अच्छी तरीके से वर्क भी कर रहा था। तो आप गाइस इस लाइट का यूज है डेकोरेशन लैंप के तौर पे कर सकते हो, या फिर गाइस आप इसका नाइट लैंप के तौर पे भी यूज कर सकते हो। तो गाइस अभी हम इस बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट प्रोजेक्ट की ओर, और नेक्स्ट प्रोजेक्ट इससे भी ज्यादा यूजफुल होने वाला है। तो चलो गाइस बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रोजेक्ट की ओर। तो नेक्स्ट आइडिया के लिए गाइस यहाँ पे मैं यूज करने वाला हूँ कुछ इस तरीके की मोटी पीवीसी की शीट का। तो यहाँ पे गाइस मैंने एक थोड़ी सी मोटी पाइप ली, उसको काट करके जो शीट बना ली है, तो इसी प्रकार से गाइस आपको भी बना लेनी है। तो अभी हम क्या करेंगे कि इस शीट के ऊपर 4x4 सेंटीमीटर का एक स्क्वायर बनाएंगे। तो चलो गाइस फटाफट से यहां पे बना लेते हैं। तो यहाँ पे गाइस मैंने पीस कट कर लिए। तो अभी गाइस हम क्या करेंगे कि इसके ऊपर की साइड यहाँ पर स्केल रखकर कुछ 1 सेंटीमीटर यहाँ पर मार्क लगाएंगे और 1 सेंटीमीटर इधर से मार्क लगाएंगे। तो यहाँ पे गाइस ये हमारे मार्क लग चुके हैं। तो अभी हम क्या करेंगे कि उस इस तरीके से कुछ जो है हम यहाँ पे लाइन खींच देंगे, और लाइन खींचने के बाद हम क्या करेंगे कि इसको इधर से कट कर देंगे और इसको इधर से कट कर देंगे। तो चलो गाइस पहले कट कर लेते हैं, उसके बाद आपको बताता हूँ कि आगे क्या करना है। तो यहाँ पे गाइस मैंने साइड साइड से कट कर लिए, और साथ ही में गाइस यहाँ पे मैंने कुछ इस तरीके के पीसेस भी कट करे हैं। इनको गाइस हम पीसेस को यहाँ पे साइड साइड में लगाएंगे कुछ इस तरीके से। और इन पीसेस का साइज क्या है मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। यहाँ पे ये जो 3 पीस है इनकी गाइस जो लंबाई है वो यहाँ पे 4 सेंटीमीटर तीनों की, और यहाँ पे इन तीनों पीसेस की जो चौड़ाई है वो यहाँ पे 1.5 सेंटीमीटर है, और यहाँ पे ये जो पीस है इसकी गाइस जो लंबाई है वो 1.5 सेंटीमीटर है, और इसकी गाइस जो चौड़ाई है वो 1 सेंटीमीटर से 2 mm बड़ा है। तो इन पीसेस को गाइस हम क्या करेंगे कि इस पीस के ऊपर कुछ इस तरीके से लगा देंगे सुपर ग्लू के द्वारा। तो चलो गाइस इन चारों पीसेस को इस पीस के ऊपर चिपका देते हैं और लगा देते हैं। यहाँ पे गाइस मैंने सभी पीसेस को चिपका दिया, और यहाँ पे गाइस मैंने सैंडिंग भी कर दिया। अभी गाइस ये देखने में काफी अच्छा लग रहा है। तो अभी गाइस हमें चाहिए कुछ इस तरीके की प्लग की पिन। तो ये गाइस 3 पिन प्लग की पिन है मेरे पास। गाइस टूटा हुआ प्लग पड़ा था, तो उसमें से गाइस मैंने तीनों जो पिन है वो निकाल ली। तो तीनों पिन को गाइस हम क्या करेंगे कि यहाँ पे कुछ इस तरीके से लगा देंगे होल निकाल कर। तो यहाँ पे इस तरीके से कुछ टाइट हो जाती है, तो ये जो पीस रहेगा ये हमारा गाइस अंदर की साइड से आएगा, और ये जो पीस है ये हमारा बाहर की साइड टाइट हो जाएगा। तो चलो गाइस यहाँ पे जो है मार्क करके होल कर लेते हैं। तो परफेक्ट गाइस मार्क लेने के लिए यहाँ पे मैं यूज कर रहा हूँ किसी और प्लग का। तो अभी हम क्या करेंगे कुछ इस तरीके से इसके ऊपर रखकर यहाँ पे मार्क लगा लेंगे। तो यहाँ पे गाइस मैंने मार्क लगा लिए। तो अभी गाइस हम क्या करेंगे कि यहाँ पे सोल्डरिंग आयरन के द्वारा होल कर लेंगे। अगर आपके पास सोल्डरिंग आयरन नहीं है तो आप जो है जो हमारा स्क्रू ड्राइवर होता है तो उसको भी हीट करके जो है होल निकाल सकते हो। तो यहाँ पे गाइस मैंने तीनों पिन लगाने के लिए 3 होल कर लिए। तो अभी गाइस हम क्या करेंगे यहाँ पे गाइस ये जो नट है ये अंदर की साइड यहाँ पर डालेंगे, और डालने के बाद यहाँ पे गाइस जो बड़ी पिन है ये हमारी अर्थ की है, तो इसको हम यहाँ पर लगा देंगे कुछ इस तरीके से टाइट करके, और जो बाकी जो पिन होंगी इसको हम नीचे की साइड लगा देंगे। दो दो पिन बची होंगी तो उसको हम यहाँ पर लगा देंगे। तो यहाँ पे गाइस मैंने तीनों पिन लगा दिया और टाइट कर दिए। तो अभी गाइस यहाँ पे मैंने कुछ इस तरीके का इसका ऊपर का ढक्कन बनाया, तो ये भी गाइस इसी साइज के बराबर का है, तो ऐसा ही आपको साइज का कट कर लेना है। तो इसको गाइस हम यहाँ पे लगा देंगे, बट ऐसे ही नहीं लगाएंगे क्योंकि अगर आप इसको सुपर ग्लू से चिपका दोगे तो अगर गाइस आपको वायर चेंज करनी होगी तो गाइस कैसे करोगे, तो आपको इसको बार बार उखाड़ना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा। तो इसलिए गाइस हम इसके अंदर जो है एक स्क्रू सिस्टम बनाएंगे। तो यहाँ पे गाइस मैंने काफी सारे पीसेस छोटे छोटे जो है जोड़कर कुछ इस तरीके का मोटा जो है पीस बनाया है, तो इस पीस को हम यहाँ पर कुछ इस तरीके से लगा देंगे। आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से लगा देंगे, और यहाँ पे एक होल निकालकर यहाँ पे एक बोल्ट जो है वो डाल देंगे, और ऊपर की साइड यहाँ पे फिर से एक छोटा सा होल निकालकर यहाँ पे इसका जो स्क्रू होगा वो हम टाइट कर सकेंगे, और कभी भी इसको खोल सकेंगे, कभी भी बंद कर सकेंगे। तो यहाँ पे गाइस ये हमारा सूख चुका है, और अभी गाइस हम इसको लगाने के लिए यहाँ पे टाइट करने के लिए यहाँ पे भी मैं एक होल करेंगे। तो यहाँ पे गाइस मैंने मार्किंग पहले कर ली है, तो आपको भी गाइस मार्किंग जो है वो देख के लगानी है। अगर गलत लगा दोगे तो ये गाइस स्क्रू वहां पे नहीं टाइट होगा, तो आपको ध्यान से जो है मार्क लगा के ही होल करना है। तो चलो गाइस अभी यहाँ पे होल कर लेते हैं। तो यहाँ पे गाइस मैंने होल कर दिया, बस इसके अंदर गाइस यहाँ पे होल करना बाकी है ताकि हम इसके अंदर जो वायर है वो डाल सकें। तो यहाँ पे गाइस होल भी कर लेते हैं यहाँ पे भी।
तो यहाँ पे भी गैस मैंने होल कर दिया, तो अब गैस हम इसके अंदर जो वायर है वो लगा सकेंगे। तो अभी गैस हम इसको बंद करके देखते हैं गैस ये देखने में कैसा लगता है। तो यहाँ पे गैस इसका जो स्क्रू है वो भी गैस मतलब जो जहाँ पे हमने स्क्रू लगाने के लिए होल करा था तो वहां पे भी गैस ये जो बिल्कुल परफेक्ट होल हुआ है। तो आप देख सकते हो काफी जितने धीरे जो स्क्रू है ये टाइट हो रहा है, आप देख सकते हो। तो देखो गाइस यहाँ पे ये हमारा जो होममेड जो प्लग है ये बन चुका है। तो चलो गाइस अभी हम इसको सॉकेट में लगा के देखते हैं कि गाइस ये बिल्कुल परफेक्ट आता है या नहीं आता। तो चलो गाइस वो भी हम चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे गाइस हमारा जो एक्सटेंशन बोर्ड है वो आ चुका है। तो ये भी गाइस हमने घर पे बनाया। तो अगर आप इसकी मेकिंग देखना चाहते हो तो गाइस आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हो। तो अभी गाइस हम इस सॉकेट को यहाँ पे इसके अंदर लगा के देखते हैं। तो देखो गाइस इसके अंदर बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है, आप देख सकते हो। तो ये तो गाइस इसके अंदर काफी आसानी से फिट आ रहा है। तो चलो गाइस अभी हम इसके ऊपर कोई चीज चला के देखते हैं गाइस ये कैसा वर्क करता है। तो यहाँ पे गाइस है मेरे पास होल्डर जिसके ऊपर वायर लगा हुआ है, देख सकते हो। तो इसकी वायर हम लगाएंगे इस प्लग में और इस होल्डर में बल्ब लगा के देखेंगे इसलिए चलता है या नहीं चलता। तो यहाँ पे मैं फटाफट से वायर जो है लगा देता हूँ। तो यहाँ पे गाइस मैंने वायर्स लगा दिए। तो चलो गाइस अभी हम इसकी टेस्टिंग करते हैं। तो यहाँ पे गाइस मैं बल्ब भी ले आया हूँ, तो पहले यहाँ पे इसको लगा देते हैं। तो यहाँ पे गाइस मैंने जो है सॉकेट में प्लग लगा दिए। तो अभी गाइस यहाँ पे हम होल्डर कनेक्ट करते हैं। तो देख सकते हो गाइस हमारा जो प्लग है ये काफी अच्छी तरीके से वर्क कर रहा है। तो गाइस कैसे लगे आपको ये दोनों प्रोजेक्ट्स मुझे कमेंट करके जरूर बताना, और दोनों में से कौन सा ज्यादा अच्छा लगा वो भी मुझे आप कमेंट करके जरूर बताना, और वीडियो अच्छी लगे लाइक कर देना, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब भी जरूर से कर लेना। तो मिलते हैं गाइस जल्दी किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।